अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो आप सब लोग भाई लोग। अगर सच बोलूँ ना तो मुझे मोबाइल गेमिंग कुछ इतनी खास पसंद नहीं, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें बड़ी तब्दील हो गई। जैसा कि पबजी जो लोगों में इतना फेमस हो गया, वो काफ़ी कंपनीज लाइक ईपिक गेम्स ने फोर्टनाइट निकाली, एपिक्स लेजेंड ईए वाले निकाल रहे हैं। ऐसे ही जो गेमिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ा पिलर है एक्टिविजन, उन्होंने अपना कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल डिवाइसेस के लिए लॉन्च कर दिया। तो चलते हैं रिव्यू की जानिब, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो को बनाने के लिए हमारे साथ तावन किया है किसी ने भी नहीं। शुरू शुरू में जब मुझे पता चला कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के लिए आ रही हो, तो मैंने कहा यार क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फाइनली जब इसको मैंने खेला है, आई रियली लव्ड इट। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर सेम मैप हैं जो कि हम ऑलरेडी खेल चुके हैं मॉडर्न वारफेयर में, कॉल ऑफ ड्यूटी एडवांस वारफेयर में, यानी कि सेम चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं मोबाइल वर्जन के अंदर। दैट्स अ रियली नाइस थिंग। सबसे बढ़कर इसके अंदर हमारा कॉल ऑफ ड्यूटी का सबसे फेवरेट मैप न्यूक टाउन ऑलरेडी एडेड है। और अब बात करते हैं गेम प्ले की। इसके अंदर राइट नाउ जो है वो दो मोड अवेलेबल है, एक मल्टीप्लेयर और सेकंड बैटल रॉयल मोड। मल्टीप्लेयर के अंदर भी आपको कंसोल और पीसी का सेम वर्जन मिलता है, लाइक आप जो भी लोड आउट हो आप पहले से बना के उनको सेव कर सकते हैं। साथ में आपको पर्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि ब्लैक ऑप्स 3 के अंदर था। जिस तरह आप उनकी जो स्किल्स हैं उनको फिट कर सकते हैं, प्योरीफाई एवरीथिंग, जिस तरह के सेम एज इज ब्लैक ऑप्स 3 के अंदर अवेलेबल थी। तो भाई लोग इस हिसाब से जो है वो TDM के अंदर कॉल ऑफ ड्यूटी इज़ वे बेटर देन पबजी। और अब बात करते हैं बैटल रॉयल मोड की, जिसकी वजह से पबजी इंतहाई पॉपुलर है। कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर भी वही सेम फंक्शन है, आप 4-man पार्टी के साथ खेल सकते हैं, 2-man पार्टी के साथ खेल सकते हैं, 1-man पार्टी के साथ खेल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट यह है कि जिस तरह TDM के अंदर आप अपना ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह हर बैटल रॉयल गेम के अंदर भी आप अपना ऑपरेटर ड्रॉप करके आप उसकी स्किल्स को फिट करके खेल सकते हैं उसके साथ। और अब अगर मैं कंपैरिजन करूँ बैटल रॉयल मोड पबजी और बैटल रॉयल मोड कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का, तो मेरे हिसाब से जो है वो पबजी का बैटल रॉयल मोड जो है वो काफ़ी बेहतर है। इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरह एक पबजी गेम जो है वो बैटल रॉयल मोड से फेमस हुआ, उनका जेनर ही वो है, तो वो उसमें काफ़ी आगे है। और वैसे भी ये गेम जो है पबजी, वो 2018 फरवरी से जो है वो अवेलेबल है, और उसके अंदर काफ़ी अपडेट्स आ चुके हैं, बग्स फिक्स हो चुके हैं। पबजी वालों का सिर्फ जो मसला अभी ये है बैटल रॉयल मोड के अंदर, कि उनको अपने जो हैकर्स हैं उनको ब्लॉक करना है, किस तरह वो एंटी चीटिंग सिस्टम जो है उसको बेहतर करना है। जबकि अब देखते हैं कि कॉल ऑफ ड्यूटी वाले इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त करते हैं। और दूसरी जानब जो कॉल ऑफ ड्यूटी वाले हैं, वो अपने TDM की वजह से पिछले कई सालों से फेमस हैं और ऑलरेडी वो इस पे काम कर रहे हैं, तो देखते हैं कि पबजी वाले इनको किस तरह कम्पीट कर सकते हैं। वैसे भी बहुत जल्द जो है वो EA वाले अपना एपिक्स लेजेंड, जो उनका बैटल रॉयल मोड गेम है, वो मोबाइल डिवाइसेस के लिए लॉन्च कर रहे हैं। तो देखा जाए दोस्तों, जितनी भी बड़ी ये गेमिंग डेवलपिंग कंपनीज हैं, वो अब मोबाइल गेमिंग के अंदर घुस रही हैं, और मोबाइल गेमिंग अब एक हकीकत है। तो मैं गेमिंग की शपथ लेके कहता हूँ कि जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं होगा। कॉल ऑफ ड्यूटी का जो है वो मल्टीप्लेयर बहुत बेहतर है पबजी से, और पबजी का बैटल रॉयल मोड जो है वो कॉल ऑफ ड्यूटी से बहुत बेहतर है। तो भाई लोग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। फाइनली, इफ़ यू लाइक माई वर्क यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, दैट विल बी गुड एंड मुझे मोटिवेट करेगा वो काफ़ी। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं इंशाल्लाह डिटेल कॉल ऑफ ड्यूटी बैटल रॉयल मोड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।